जा रही बिंदिया को तो पता भी नहीं है कि हमने उसकी दवा में जहर मिला दिया है। इसे पीने से ना बिंदिया से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हमारी बिंदिया बहू की रक्षा करना, रक्षा करना। दवाई मत पीना, इस दवाई में तुम्हारी सांस ने जहर मिला दिया है। बिंदिया बहू, हमारी आवाज सुन सकती हो? बिंदिया बहू, बिंदिया बहू, बिंदिया बहू, बिंदिया बहू, बिंदिया। हमारी बिंदिया बहू ने जहर पी लिया क्या? नहीं, हम अपनी बिंदिया बहू को कुछ नहीं होने देंगे। बिंदिया बहू तुम चिंता मत करना, हम अपने लल्ला से बात करेंगे, हम लल्ला से बात करेंगे। बेबी, क्या हुआ? आज मेरा टाइगर बड़े रोमांटिक मूड में है। देखिए, आज तुम्हारा टाइगर अपनी जंगली बिल्ली के लिए एक गिफ्ट लेके आया है। आखिर बहुत सुंदर है। लेकिन मैं जंगली बिल्ली से ज्यादा सुंदर नहीं है। ये तो मेरे लिए लाए हो। नहीं, ये बिंदिया के लिए। राजीव, अभी तुम ऐसे बेतुके सवाल कर रही हो। वाइफ तुम हो ना मेरी, तो तुम्हारे लिए लाऊंगा। बिंदिया के लिए तो इससे सुंदर लेके आए। राजीव, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। और रोमांस? रोमांस तो पसंद है ना मेरी जंगली बिल्ली को। हाय लल्ला, अगर बहू का वजन ही करना था तो घर में वजन करने की मशीन है ना, उससे कर लेता। नहीं, वो तो हम सॉरी बेबी। देखा कितना वजन बढ़ गया है बहू तुम्हारा। हमारा लल्ला तुम्हें एक मिनट भी नहीं उठा पाया। अम्मा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? कि मैं मोटी हूँ? नहीं बहू, तुम मोटी कहाँ हो, बस तुम्हारा वजन थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा चुप करो तुम। लल्ला, तू हमारी बिंदिया बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या तुमने बिंदिया बहू के साथ ऐसा किया? उसे अपनी बाहों में उठाया? हाँ, उठाया। अम्मा, मैंने कब? लल्ला, तुम तो हमारी बिंदिया बहू को दुनिया से उठाने के चक्कर में हो, है? तुम्हारे होते हुए वो जहर कैसे पी सकती है? क्या बिंदिया जहर पी रही है? हाँ बहू, हमने खुद अपनी आँखों से देखा। बिंदिया यहाँ आई है? अरे बेबी, अम्मा टीवी की बात कर रही है, उन्होंने एपिसोड में देखा है ना। लल्ला, हमने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। यही बात कह कह कर जब देखो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। चुप करो बहू तुम। लल्ला, ये हमारी आखिरी इच्छा है। 2050वीं आखिरी इच्छा। बहू, हमने कहा ना चुप करो तुम। मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ अम्मा जी। फिर भी चुप करो है? लल्ला, अगर बिंदिया बहू को कुछ हो गया ना, या बिंदिया बहू इस दुनिया से चली गई ना, तो तेरी अम्मा भी चली जाएगी। कहाँ? बहू, मन में बासमती पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। हम बनारस जाने की बात कर रहे हैं, दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहे हैं। लल्ला, तुझे हमारी कसम, तेरे होते हुए हमारी बिंदिया बहू किसी भी हालत में जहर ना पी पाए, कह दे रहे हम। बिंदिया जी, वो जहर तो पीना ही होगा। बहुत टाइम जा रहा है, जहर पीने वाला सीन मुझे शुरू करना है। अरे नहीं 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 सर, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने देखा नहीं, बिंदिया जी आज रियल वाली असली वाली एक्टिंग करने के मूड में। माय गॉड। तो सर, मेरी आपसे एक दरखास्त था, आप सबसे पहले रियल असली वाला जहर मंगाइए, फिर ही जाके बिंदिया जी शॉट देंगी। हाँ अच्छा, तुम्हें पता है कुशल, हाँ? तुम्हारे जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। थैंक यू। बकवास और थर्ड क्लास। ये बिंदिया मैम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, और अगर अब शूट नहीं होना तो टेलीकास्ट रुक जाएगा। यू राइट बबलू, बहुत लेट हो गया है। थैंक यू मैम। इतना लेट नहीं होना चाहिए था ना।
पर अब जबकि इतना लेट हो ही गया है तो शूट ही नहीं करते ना। आप सबको पता है कि आज मैं लेट तक नहीं रुकूंगी क्योंकि मेरी पैर में दर्द है। आउट। देखिए बिंदिया मैम, हमें एपिसोड आज खत्म करना है। अगर एपिसोड खत्म नहीं हो रहा तो टेलीकास्ट रुक जाएगा। प्लीज, मैंने आज 3 सीन शूट किए हैं। आई एम टायर्ड। मैं आज सीन में खड़ी भी नहीं हो सकती, मेरे पैर में दर्द हो रहा है बबलू। ओहो बिंदिया जी, लेकिन बिना खड़े हुए शूट कैसे होगा? तो आप हमारे शो के डायरेक्टर है, ये सब सोचना आपका काम है क्योंकि इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, मुझे नहीं सर। आप सोचिए। पर हाँ, अगर मैं ये सीन शूट करूंगी तो बैठे बैठे ही शूट करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड अप। मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर। मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया। जीने सर, टू शॉट। हाँ सर, सही है। हाँ बिल्कुल सही है सर। आपका मार्क यही है। कैमरा एक्शन। बिंदिया आप आ गए? हाँ मैं आ गया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये क्या? इंदिया चेहर पीते पीते रह गई। कब तक बचेगी? एक ना एक दिन तो उसे जहर पीना पड़ेगा। कट। ओके ओके, पैक अप। पैक अप? ओएमजी, थैंक गॉड पैक अप हो गया। एक्चुअली आज मुझे डांस पार्टी में जाना है। एक्सक्यूज मी। वाह, अभी तक तो थकी हुई थी। ये बिंदिया जो है ना, सबकी समझ के बाहर है। इसको समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है राजीव। माना कि हमारा शो नंबर 1 है पर टीआरपी तो उतनी की उतनी है ना। कम से कम टीआरपी तो बढ़नी चाहिए ना, इसलिए हमें शो में किसी भी तरीके का धमाका करना पड़ेगा। अरे हूँ नहीं, कहानी में ट्विस्ट लेकर आओ, एक नया मोड़ लेके आओ, कुछ 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 कमाल स्टोरी लिखो यार जिससे शो हिट से सुपर हिट हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सोच के फोन करता हूँ। ओके गुड। कहानी में कोई जहां कहीं भी हो जैसे भी हो फौरन घर चले आओ, कुछ एपिसोड डिस्कस करना है। ओके ये क्या कर रहे हो मेरे आका? अरे ये कर क्या रहे हो? ये ठीक है रे मेरे आका, और योग और प्राणायाम कर रहा था। आपने तो बोला कि जैसे हो वैसे आ जाओ। यहाँ मेरे प्राण निकले हुए हैं और तुम प्राणायाम कर रहे हो। देखो हमारा शो अभी भी नंबर 1 है लेकिन हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो हमारी टीआरपी है वो अटक गई है। हो सकता है नंबर 2 हो जाए और मल्होत्रा का शो नंबर 1 हो जाए, जो मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए कुछ धमाकेदार सोचना होगा जिससे कि हमारा जो नंबर 1 पोजीशन है वो बना रहे और अच्छी टीआरपी हो जाए। हाँ तो आइडिया की कमी थोड़ी है मेरे दिमाग में सर, और एक तो ऐसा जबरदस्त आइडिया है कि शो की पॉपुलैरिटी ना जबरदस्त बढ़ने वाली है। गुड, बताओ क्या है? बंद दरवाजा। दरवाजा तो बंद है। आपके घर का दरवाजा नहीं सर, फिर बिंदिया के ससुराल का बंद दरवाजा। वो बंद दरवाजा जिसके नीचे एक राज छुपा है। बिंदिया एक दिन अचानक वहां पहुंच जाती है जिसके नीचे एक तहखाना है, और वो तहखाने में जाती है जहां उस पे अटैक हो जाता है और बिंदिया मर जाती है। क्या बिंदिया मर जाती है? तुम पागल हो गए हो क्या? शो का क्या हाल होगा? हमारे शो की हीरोइन है वो, मेन लीड। सॉरी सर, वो गलती से मुंह से निकल गया कि बिंदिया मर जाती है। एक्चुअली बिंदिया डर जाती है, वो भी पूरी तरह डर जाती है। ऐसा बोलो ना, तुम जल्दी जाओ घर जाके एपिसोड लिखो, मुझे नितिन को भेजना है अप्रूवल के लिए। और सुनो, गलती से कहीं स्क्रिप्ट में मर जाती मत लिख देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, समझ गए? ये क्या कर रहे हो? नमूना एक नंबर का। बिंदिया बहू, ये दवाई कब से यहाँ रखी है? तूने दवाई पी क्यों नहीं बेटा? चलो दवाई पी लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये लो दवाई। ओ मम्मी जी, मैं कुशल जी को खाना दे रही थी ना, इसलिए भूल गई। बिंदिया तुम इस घर में सबका ध्यान रखती हो बस खुद को छोड़कर, नॉट फेयर। प्लीज अपना ध्यान रखा करो ना। माया बिल्कुल ठीक कह रही है, हेल्थ से नो लापरवाही। जी मम्मी जी, चलो दवाई पी लो।
मम्मी जी आया। बिंदिया बहू क्या हुआ लला क्या हुआ? क्या हुआ? जहर तुम्हें चाहिए? पी लिया। पी लिया तो जॉइंटिस किसे हो गया? पी लिया बिंदिया बहू। बिंदिया बहू को पी लिया हो गया? नहीं दवाई पी ली थी। अरे दवा पीनी है तो क्या दवा लाल होनी चाहिए थी? अरे लल्ला के बाऊजी भगवान के लिए चुप हो जाइए। विद्या बहू ने जो दवाई पी ना उसमें जहर मिला था। अरे लल्ला की अम्मा दिन भर रात भर तुम विद्या बहू की सीरियल देखती रहती हो और सवेरे ये 4 बजे उसका सपना भी आता है तुम्हें। ए गंगा मैया 4 बज गए क्या? हाँ देखो अल्लाह के बाबूजी हमारे बनारस में कहावत है समोसे में मजा नहीं आता अगर आलू हो कच्चा और सुबह 4 बजे का सपना होता है सच्चा। इसका मतलब हमारा सपना सच हो जाएगा क्या? जो कहेगा सुनाओ। अरे अम्मा घर पे है मंदिर फिर आप बाहर क्यों जाते हैं? लल्ला हम चौराहे पे वो जो मन्नत वाला मंदिर है ना वहाँ गए थे मन्नत मांगने के लिए। लल्ला अब तुम ही समझाओ अपनी अम्मा को हमारे लिए मन्नत वन्नत ना मांगा करे। लल्ला के बाबूजी हम आपके लिए मन्नत मांगने के लिए नहीं गए थे ए? हम अपनी बहू के लिए मन्नत मांगने गए थे। अम्मा जी जो मैंने सुना क्या वो सच है? आप मेरे लिए मन्नत मांग रही थी? बहू अभी पूरा हुआ नहीं है पूरा सुनो तो सही। हमने तुम्हारे लिए नहीं अपनी बिंदिया बहू के लिए मन्नत मांगी है। आखिर वो भी तो हमारी बहू है ना। राजीव सुना अम्मा जी क्या कह रही हैं? क्या कहा? अरे लल्ला दरअसल बिंदिया बहू को हम अपनी बेटी भी मानते हैं और बहू भी। आज सुबह सुबह हमने ना बहुत ही भयानक सपना देखा। क्या अम्मा? कि हमारी बिंदिया बहू की जान खतरे में है तभी हम ना बिंदिया बहू के लिए ये मन्नत का धागा लेकर आए। उसकी वजह से सबकी जान खतरे में? उसकी जान खतरे में कैसे? राजीव ये ना बिंदिया बहू से अपनी कलाई पर बंधवा ले। बहू तुम जरा चुप रहो। व्हाट इज दिस अम्मा जी आप कल रात से मुझे बात ही नहीं करने दे रही। फिर भी चुप रहो। लल्ला हम क्या कह रहे थे बिंदिया बहू की कलाई में ये मन्नत का धागा बांध देना गंगा मैया उसकी रक्षा करेगी। ठीक है फिर शायद वो सुधर जाए। सबको परेशान करके रखा होगा सेट पे उसने। अम्मा मैं चल रहा हूँ। ओके बाबूजी बाय बेबी। बाय। फोन करता हूँ सेट से। बाय। ऐसे अम्मा जी कभी कभी अपनी इस बहू के लिए भी कुछ मांग लिया करिए। मांगेंगे ना बहू थोड़ी सी बुद्धि और संस्कार। लो ये तो भगवान ने मुझ में ऑलरेडी कूट कूट कर डाला हुआ है। आखिर है शेर पे सवा शेर। बहू किसकी है? हेलो हेलो बाद में जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाओ। अरे तुम मैंने कहा था ना तुम्हें स्क्रिप्ट भेजो स्क्रिप्ट क्यों नहीं भेजी अब तक? यार तुम इतने वीक हो इमोशनली इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा रिलैक्स कोई बात नहीं आ जाएगी स्क्रिप्ट। क्यों रो रहे हो? अरे सर मैं इसलिए थोड़े रो रहा हूँ कि आपने मुझे डांटा है। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि दुलारी मर गई सर। दुलारी कौन? दुलारी कौन? दुलारी अरे वही दुलारी सर जिसने हमें बचपन से दूध माँ मक्खन एक्सेट्रा 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 खिलाती थी वही दुलारी जिसके कंधे पे बैठ के बचपन में पूरा गांव घुमा करता था सर। कौन? मासी जी? बुआ? ना मौसी थी वो ना बुआ थी वो फिर दुलारी थी वो सर हम सब की प्यारी थी वो इकलौती भैंस हमारी थी वो सर। वो चली गई सर मैं भी चलता हूँ अपने गांव सर। अरे कैसे कैसे गांव जा रहे हो मुझे दुलारी बनाकर? जल्दी से स्क्रिप्ट दो इससे पहले कि मैं तुम्हें दुलारी बना दूं वहीं भेज दूंगा। स्क्रिप्ट किधर है? दुलारी के गम में भूल गया सर। क्या स्क्रिप्ट लिखना भूल गए? नहीं सर आपको बताना भूल गया कि स्क्रिप्ट तो मैंने ऑलरेडी आपके घर पे भेज दिया। ओह अच्छा
यार तुम ये मेल करना कब सीखोगे और लैपटॉप पे स्क्रिप्ट लिखना कब सीखोगे? बस गांव से आते ही सीख लूंगा सर। बाय सर। बाय। छोड़ो तो मैं बंद। ये देखो ये नितिन। हाँ नितिन। राजीव ये क्या हो रहा है? तुमने आगे कहानी क्यों नहीं भेजी अब तक? जानते हो बॉस कितने गुस्से में, उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। अरे बस आधा घंटा दो, मैं भेज रहा हूँ, स्क्रिप्ट रेडी है। राजीव आधा मतलब आधा, आधे का एक नहीं होना चाहिए। ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके बाय। हेलो हेलो प्रिया। प्रिया वो कोई स्क्रिप्ट आई है क्या? नॉनसेंस। डांट क्यों रही हो बेबी? अरे तुम्हें नहीं डांट रही हूँ, स्क्रिप्ट के बारे में कह रही हूँ, वही पढ़ रही थी। पता नहीं कैसी अजीब कहानी लिख के भेजी है उसने, कोई बंद दरवाजा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है स्क्रिप्ट में। बेबी वो बंद दरवाजा जब खुलेगा ना तब हमारा शो नंबर वन होगा, देखना तुम। सुनो वो प्लीज मुझे मेल कर दो ना। लेकिन मैं मेल कैसे करूँ, ये तो हैंड रिटन है। अरे तो स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं बेबी, प्लीज तुम टाइप कर दो ना, टाइप करके मेल कर दो मुझे, तुम तो इतनी फास्ट हो इसमें। ओके 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 भेजती हूँ, अभी टाइप करके मेल करती हूँ। थैंक यू, बाय। सेट पे क्या हो रहा है? चलो तन्वी नई स्टोरी फाइनल हो गई है, मैं भेज रहा हूँ वहाँ पे चैनल में, और अभी जो तुम शूट करने जा रहे हो ना सीन, वो सेट पे आके बताता हूँ कैसे करना है। ओके बाय। बिंदिया बहू को घर के अंदर एक दरवाजा दिखता है जिसे वो खोलती है और वो दरवाजा तहखाने में जाता है और बिंदिया बहू भी उस तहखाने में चली जाती है। अरे वो हेलो बेबी, तुमने अब तक मेल नहीं किया? बस खत्म ही हो रहा है। अरे बेबी टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल, तुम एक काम करो ना, डायरेक्टली नितिन को मेल कर दो और मुझे सीसी कर देना। ओके ठीक है। ओके बाय। चलो एक काम तो हुआ, सेट पे। ओहो तो पूरी स्क्रिप्ट के लिए हो गई। अब यहाँ क्या लिखा था? और बिंदिया बहू पे अटैक करता है और बिंदिया बहू रह जाती है। क्या उनका रह का मतलब? वो एक दरवाजा खोलती है, तहखाने में जाती है, वहां ऑलरेडी कोई है, वो उस पर अटैक करता है और बिंदिया बहू रह जाती है, मर जाती है। बिंदिया मर जाती है, यही लिखा होगा। लेकिन बिंदिया मर कैसे सकती है? वैसे पता नहीं, ये शो में कुछ भी हो सकता है। और बिंदिया मर जाती है। डन, ये भेज देती हूँ जल्दी से। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.